गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर से पीथमपुर जिला इंदौर के उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने की भेंट। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा की अध्यक्षता में मंत्रालय में परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर कमिश्नर कलेक्टर से हुई चर्चा। और कार्यदक्षता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में आउटसोर्सिंग के सहयोग पर आईटी सेंटर में आयोजित वर्कशॉप में उपयोगी विमर्श हुआ। वर्कशॉप में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी हरिरंजन राव सहित अन्य अधिकारी मौजूद। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राई खबरें देखें विस्तार से। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर 3 में पुलिस चौकी खोलने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन को दिया। बाबूलाल गौर से एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज उनके निवास पर भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल गौतम कोठारी ने बताया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3 में 450 से अधिक औद्योगिक इकाई में लगभग 70,000 वर्कर हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खोलना जरूरी है। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परख में कलेक्टर्स कमिश्नर से प्रदेश में बारिश की स्थिति, छात्रवृत्ति वितरण, खरीफ फसलों की बोनी और अन्य सामयिक विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ के कारण 1,174 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। मुख्य सचिव ने वर्षा की संभागवार जानकारी प्राप्त की और ग्रामों में बाढ़ से घिरे जाने की स्थिति में आवश्यक बचाव और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्यालय प्रमुख को भेजे गए निर्देश में आम जनता द्वारा दर्ज करवाए गए मामलों को समय सीमा में निपटाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 181 के जरिए नागरिकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देने और उनकी शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करने की राज्य शासन की मंशा है। मुख्य सचिव ने सभी कार्यालय प्रमुख को कहा है कि वे इस योजना की गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा करें। जिन अधिकारियों द्वारा समय सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। शासकीय विभागों और संस्थाओं में कार्यदक्षता बढ़ाने और नागरिकों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया करवाने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य से आज आईटी सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभाग के कार्यों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी और उससे प्रदेश में तैयार होने वाले रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति अशोक वर्णवाल, सूचना प्रौद्योगिकी की सचिव हरिरंजन राव, महानिदेशक पंजीयन एवं मुद्रांक दीपाली रस्तोगी, संकेत भोरवे संचालक समग्र और लोक सेवा अभिकरण के कार्यपालन संचालक अविनाश लवानिया, उप सचिव सुधीर कोचर सहित इन्फोसिस कंपनी के संपत नारायण समर, रवि और मधुकर सहित विभिन्न विभाग संस्था के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों से खुले में शौच को पूर्ण रूप से समाप्त करवाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के सामने नगरों में स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती है। इसको गंभीरता से लेकर गठित मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन की गतिविधियां निरंतर चल रही है। राज्य सरकार ने दृष्टिपत्र 2018 में भी शहरी स्वच्छता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शहरों में गरीब वर्ग के लिए व्यक्तिगत शौचालय और आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन और मैला निपटान प्रबंधन के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।